रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के बचत भवन में जिला स्तरीय महिला जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर डेजी ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर महिलाओं को विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग चेयरमैन वंदना शर्मा भी मौजूद रही। प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए राज्य महिला आयोग जागरूकता लाने के लिए प्रयास कर रही है। ये बात हमीरपुर में पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर डेजी ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने के लिए महिलाओं के हर वर्ग को जागरूक किया जा रहा है। हमीरपुर के बचत भवन में जिला स्तरीय महिला जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर डेजी ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर महिलाओं को विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग चेयरमैन वंदना शर्मा भी मौजूद रही। राज्य महिला आयोग अध्यक्षा डॉक्टर डेजी ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की जागरूकता के चलते ही अब दुष्कर्म के मामले कम सामने आए हैं, लेकिन धार्मिक आस्था की आड़ में या फिर जान पहचान वाले लोग ही दुष्कर्म के मामलों में संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाना सभी की प्राथमिकता रहती है। मेरा ये मानना है कि महिला उत्पीड़न के जो मामले वो बढ़े नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग बढ़ी है। अब महिलाएं जागरूक हो रही हैं और अपने प्रति हो रही प्रताड़ना के लिए वो अब चुप नहीं रहेंगी। और महिला आती भी तब है अपने घर से बाहर जब उसे कुछ पता होता है कि उसे उसकी समस्या का निराकरण होगा, तो अब उसको ये लगता है कि हाँ, बहुत से जो कानून बने हैं उसके लिए और उसको न्याय अवश्य मिलेगा। इस सोच के साथ वो अपने घर से बाहर आती है और अपने प्रति हो रही प्रताड़ना को रिपोर्ट करती है। अभी आज शाम को ही हमारा एक और पुलिस के साथ एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप है। हमने ये वर्कशॉप्स जिलावार हम लोग इनको कर रहे हैं। कल हमारा धर्मशाला में इस प्रकार का आयोजन था और आज हमीरपुर में होगा। हमारी एक ये हमारा प्रयास है कि महिलाएं जब पुलिस स्टेशन में जाती हैं उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए, तो हम पुलिस को ये सेंसिटाइज कर रहे हैं कि महिला की जो एक समस्या होती है उसको घरेलू हिंसा की समस्या ना समझा जाए, और अगर उसके साथ कोई शारीरिक प्रताड़ना हो रही है तो उसको एक क्राइम की तरह देखा जाए और उसको न्याय दिलवाया जाए। इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा पोषण अभियान के अंतर्गत स्वस्थ जीवन शैली, खान पान, पोषक तत्वों तथा अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई, ताकि देश से कुपोषण को जड़ से खत्म किया जा सके। जी, महिला आयोग द्वारा ये जागरूकता शिविर आयोजित किया गया है। हमीरपुर में हमारा आना इस टर्म में पहली बार हुआ है, परंतु हर माह हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में जागरूकता शिविर का आयोजन होता है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ एक हमारा एक कदम है। इसमें हर विभाग के अधिकारी हमारे इस जागरूकता शिविर में आते हैं और महिलाओं को जो सरकार की योजनाएं उनके लिए बनाई गई हैं उनकी जानकारी देते हैं। इससे महिलाओं को एक तो इस बारे में जागरूकता मिलती है, कौन सी आयोजन जो योजनाएं हैं उनके लिए बनाई गई हैं, और वो उनसे बातचीत भी करते हैं, एक इंटरेक्शन भी होता है, और इस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। ये तो हुआ जागरूकता। एक हम विधिक जागरूकता का भी आयोजन करते हैं। उस द्वारा हम महिलाओं को उनके उनके लिए बनाए गए जो भी कानून हैं उनकी जानकारी देते हैं। तो विधिक जागरूकता और ये जागरूकता शिविर, दोनों प्रकार के शिविर हमारे हर जिले में होते हैं।